बस 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 तो ये वाला हम यूज कर सकते हैं 90 डिग्री का, बट अगर आपको पी डी निकालना है, अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेके चलोगे दैट इज नॉट इक्वल टू द लेंथ पी बी, वो लेंथ पी बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये 2 सेंटीमीटर लेके जो आपका कल आंसर आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था। जब आपको पी बी निकालना है उसके लिए अगर आप ट्रायंगल लेके चल रहे हो तो ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, और इस ट्रायंगल का अगर आप लोगे तो ये एंगल अब आपका 90 से बड़ा हो। सो दैट्स व्हाई जो आप कल कह रहे थे कि ये 2 लेके हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, वो आपका उसमें नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, समझ आ गया क्यों नहीं उसको ले सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे इससे आगे दैट इज क्या गया अलग, कोई आके पॉइंट आउट करेगा देन ओनली यू विल लिसन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी हाँ जी, 2 बार लगे। पहले आप छोटे वाले में पहले बड़े वाले में लगा रहे हो, यहाँ से ये 13 आ जाएगा आपका। ठीक है मैम, ये पीबीओ से भी निकल सकता है ना? हाँ जी, ये पीबीओ ट्रायंगल से भी निकल सकता है ना? विच वन बच्चे? पीबीओ से ही निकलेगा ये। ओके मैम, पीबीओ से पहले ओपी चाहिए, उसके लिए पहले आप ओपी निकालोगे ट्रायंगल ओएपी से, इसमें ये आपको 12 गिवन है, ये आपको 5 गिवन है, तो ये आपका 13 है। फिर आप ये वाला ट्रायंगल ले लोगे, इस वाले ट्रायंगल में ये आपको 3 था कि नहीं? तो ये हमने निकाला, तो फिर ये हम निकाला, गॉट इट ना? इसको एम लेने की जरूरत है, पहले ये बड़ा ट्रायंगल फिर ये छोटा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and PP is tangent drawn from a point P to the circle. अब इसमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट गिवन है, दिस इज द टेंजेंट गिवन टू यू, secant PAB passes to the center O of the circle. तो ये center O से secant PAB pass कर रहा है आपका, and you are given if PT is 6 centimeter and PA is 3 centimeter, then find the radius of the circle. तो हमें radius of the circle जो है वो निकालना है। हाँ जी, OT को join कर दिया, okay. एंगल टी 90 है, पाइथागोरस के लिए कितनी फुल लेंथ चाहिए? हाँ, तो रेडियस है क्योंकि दोनों ये रेडियाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम एस, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे इन ट्रायंगल पीओपी 90 के ऑपोजिट दिस विल बी योर पाइपो, तो 3 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो रेडियस ऑफ दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट वन, इन द गिवन फिगर ये कर दो दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक फिगर ड्रॉ कर लो। एक क्वाड्रिलेटरल में इन सर्कल, अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंड
नहीं इसमें गिवन है साइड्स हमें गिवन है ए बी 6 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर सी डी 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं डेक्स को भी इवन साइड समझी लेनी है 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर ए एन And I need to find out the fourth side that is AD. Tangents equal होते हैं तो क्या करेंगे? इसको this I need to find out. हाँ जी क्या करूं मैं फिर ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी नहीं क्या कंडीशन लगाई है मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया क्या रिजल्ट है ये क्या रिजल्ट है ये आपका बुक में क्वेश्चन था ये वाला क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल या इफ अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल देन द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अदरवाइज आप पहले शो करो जैसे उसने क्वेश्चन में आप यहाँ से ए एस इज इक्वल टू ए बी CQ equal to CP, QD equal to BR, BR equal to BS. In case अगर direct result नहीं आ जाता, तो आप use करेंगे इसे, ठीक है? अब AB कितनी है? 6 centimeter. CD कितना है? 4 centimeter. AC हमने निकालना है, and BD is 7 centimeter. तो ऐसा आ जाएगा आपका 3 centimeter. यहाँ result हमने use किया है. If a quadrilateral circumscribes a circle. या इफ अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल देन सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल दोबारा देखो सर्कल क्या कर रहे हैं यहाँ पे इनस्क्राइब्ड है या क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि उसकी साइड्स जो है वो उसको टच कर अब जब ये साइड्स इसकी टच कर रही है ये वाले जो है ये टेंजेंट्स बन गए फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट और जब फिगर आपकी इस तरीके से होती है कि एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट्स जो होते हैं अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं सर्कल के आसपास तो सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है इट मींस ए बी का और सी डी का सम विल बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी तो इनकी वैल्यूज हमें गिवन थी सिंपल पी क्यू आप उस तरीके से करते हो पी क्यू आर एस भी यानी कि अगर आपके डायरेक्ट रिजल्ट नहीं यूज करते आप क्या करते हो आपको सी क्यू इज इक्वल टू सी पी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल होती है देन ए बी ए एस इज इक्वल टू ए बी सी पी और ए बी एक साइड पर क्योंकि ये एड हो गया अब ए एस के साथ एस बी मुझे इधर रखना है एंड दिस इज इक्वल टू बी आर और इधर से सी क्यू के साथ क्यू डी मुझे इधर रखना है एंड दिस इज इक्वल टू डी अब जब आप इनको ऐड करोगे सी क्यू प्लस क्यू डी विल गिव यू सी डी ए एस प्लस एस बी विल गिव यू ए बी एंड दिस इज इक्वल टू सी पी प्लस ए पी विल गिव यू ए सी प्लस बी आर प्लस सी आर दिस विल गिव यू बी या तो आप ऐसे पहले ही प्रूव करके दिखा दो अदरवाइज यू कैन यूज द डायरेक्ट ऑलराइट कंटिन्यू क्लियर ठीक है जी चलें आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस करवा रही हूँ एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी देन वी विल गो फॉर अ लिटिल बिट रीजन मेंशन करोगे जहां डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हो यू आर टू मेंशन द रीजन
चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने वाला है क्वेश्चन हमारा. हमें गिवन है PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. कितना हमें गिवन है इसकी. And we are given that PT is a tangent to a given circle. If angle PTB is 75 degree, यहाँ से ये point B पे angle बन रहा है ये आपका 75 degree. And angle BTA is equal to 45 degree. BTA ये आपको 45 degree दिया है. Then find the measure of angle ABT. This we are to find. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करते हैं. So we will train this AB as the chord. अभी 80 कॉर्ड बन रही है हमें. अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट है तो दोनों इक्वल होंगे. एक एंगल कॉर्ड का टेंजेंट के साथ बन रहा है ये वाली सेगमेंट में, दूसरी सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस में सेम कॉर्ड से जहां पे भी एंगल बनेगा ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल. अब ये मुझे 45 गिवन है, ये मुझे 75 गिवन है, टोटल कितना हो गया 120. तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि ये सेम टाइम बन रही है, ये एंगल 60 डिग्री आ गया, तो ये वाला भी कितना आएगा आपका. हाँ जी सेंटर के साथ बनता है, रेडियस के साथ बनता है, ठीक है. वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल, जैसे मर्जी करो. एक ही बात है, यहाँ पे भी ऐड करोगे वहां पे माइनस कर देंगे. कॉर्ड वाला कंसेप्ट बेटे ये है कि अगर मुझे ये कॉर्ड भी बन रही है, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो भी टेंजेंट बन रहा है, अब ये वाली कॉर्ड का इस वाले टेंजेंट के साथ एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल. अब अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो ये एंगल इस वाले सेगमेंट में बन रहा है. अब ऑल्टरनेट सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट गिवन हो तो ये सारे एंगल्स जो है वो इसके इक्वल, सारे सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी बन रहा, ठीक है. और कॉर्ड के एंड पॉइंट्स ये हो, यानी कि इसी कॉर्ड से वो एंगल्स सब इक्वल. सेम वे में यही कॉर्ड थी, ये टेंजेंट बन रहा था. अगर मैं बात करती हूँ इस वाले एंगल, ठीक है, कॉर्ड के साथ टेंजेंट का एंगल, अब इस सेगमेंट पे बन रहा है ये एंगल, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट ये. अब इस वाले सेगमेंट में इसी कॉर्ड से जहां पे मर्जी एंगल बने वो एंगल आपके. और द कंसेप्ट, ये कौन सा कंसेप्ट है, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला जो आपका. अब ये कॉर्ड थी हमारी 80, टेंजेंट के साथ ये एंगल बन रहा था 60, सेम कॉर्ड का इस वाले सेगमेंट पे बन रहा था, सेम कॉर्ड का सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 60 डिग्री, तो इसलिए ये आपका 60 डिग्री आया. जस्ट अ मोमेंट ऋषित. यस बच्चे. मैम यहाँ पे हम एंगल सी को 75 ले सकते हैं, एंगल ए को 75 ले सकते हैं, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ले सकते हैं. अगर आपने ये कांसेप्ट नहीं यूज करना तो ये वाला एंगल इस कॉर्ड के साथ तो एंगल ए 75 आ जाएगा, देन यू कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट वन इज आल्सो ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अगेन इस तरह का हमने किया हुआ है, तो ये आप एक ही क्वेश्चन से देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं एक ही कंसेप्ट से. इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है. ये हमें इक्वल गिवन है, 3 आर 2
that these two, BE is equal to EC, we have to prove. AB equal to EC is given. I have to prove that BE is equal to EC. PQ, PQ, E ले लिया. That's what DE is doing. बस हाँ जी क्या करें स्टेटमेंट क्लियर है इन द गिवन फिगर आई एम गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी आई हैव टू प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू ए बी ए बी इक्वल टू ए सी मुझे गिवन है तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो ए बी को स्टेप कर सकते हैं ए बी प्लस बी ई इक्वल टू ए क्यू प्लस AB और AQ क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से हैं टेंजेंट तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल यानी कि AP और AQ आपके कैंसिल आउट हो गए क्योंकि वैल्यू सेम है व्हाट वी आर लेफ्ट विद PB एंड QC PB किसके इक्वल होगा BC के QC किसके इक्वल होगा CC के सो दिस इंप्लाइज दैट BP इज इक्वल टू EC ठीक है जी क्लियर इसीलिए मैं एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए तो स्टेटमेंट देख के समझ आ जाए एटलीस्ट स्टेटमेंट तो लिखो आप लोग तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो अच्छा इसकी भी भेजी इसकी भी भेजी अच्छा पांच छह बुक्स का मैंने लिंक भेजा है आपको एक ही लिंक में वो सारी बुक्स आपकी खुल रही है हाँ जी हाँ जी चलो अच्छा पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी मैं दोबारा नहीं कहना ये चाहते हैं ये सेंटर की बात है हमें टू टेंजेंट गिवन है फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी ये पॉइंट पी हो गया दिस इज ए एंड बी अब स्टेटमेंट ध्यान से इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर तो इट मींस ये दोनों 4 सेंटीमीटर हो गए इफ पी ए इज परपेंडिकुलर टू पी बी then what is the length of each of the tangents ye angle mujhe 90 degree given hai so what is the length of the tangent ha ji kyun angle at the center formed by the radii angle between the tangents ye dono aapas mein kya hote hain supplementary hote hain to ye 90 hai to ye bhi 90 ये 90 है तो adjacent sides अभी अगर हम ना देखें तो चारों angles 90 means either it will be a rectangle or it will be a square लेकिन क्योंकि ये adjacent sides हमें equal given है तो it is a square यानी कि length of tangent क्या आ जाएगी 4 ठीक है करके दिखाने हैं वहां पे पूरा reason mention कर रहे हैं ये तो हम verbally बोल रहे हैं लिखने में हम लोग क्या लिखोगे CA equal to 4 centimeter, CB equal to 4 centimeter, angle APB is equal to 90 degree. Since angle ACB and APB are supplementary, angle between the tangents and angle at the center formed by the radii of the same tangent, therefore this angle is also 90 degree. ये वाले already angle CAB, P and CBP 90 degree each हैं. So the figure will be either a rectangle or a square. But since the adjacent sides are equal, so it is a square. So PA is equal to BB equal to 4 centimeter. Even to prove जरूरी. Find जहाँ आ गया ना जहाँ find the value या find the length आ गया वहाँ given proof नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं. No problem. Given वैसे अगर लिख लेते हो आपको clarity हो जाती है सिर्फ. गिवन हमेशा पहले साइड पे चाहिए थी ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन
write the value of x if Pn is a tangent to the circle in the figure given. Again, figure हमें given है. Pn हमें इसमें given है कि that ये जो आप इतना जिसकी बातें करते हैं एंड साइबर तो पेन के सबसे बड़ा रूट कॉज है नंबर ऑफ सिग्मा सो आप ही बनाओ साथ के आपको कभी भी कभी होंगे लिखने का और मैथ कभी भी बिना प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस नहीं आता अभी आपके लिए जैसे लगेगा कि हाँ ये इजी है हो गई है मतलब अकेले करने घर पर भी कर देगा सर्कल इन द गिवन फिगर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करो क्या 90 आ गया एंगल एट द सेंटर जो है दैट इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम कॉर्ड या सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल तो ये कॉर्ड आपकी अगर लाइन भी ड्रॉ की जैसे हमने तो आर्क ए बी अगर हम लेके चलते हैं ए बी से सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना बनेगा हाफ यानी कि 30 ठीक है दोबारा देखो ये एंगल हमें 90 पता है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में है ये एंगल 30 डिग्री है तो ये इस ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल निकाल लिया बाय एंगल सम फ्रॉम 60 डिग्री आ गया अब ए बी अगर से कॉर्ड लेती है तो कॉर्ड से सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री तो सेम कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पे एंगल उसका हाफ होगा तो दैट विल बी हाफ ऑफ 60 यानी कि 30 ठीक है क्लियर so rest of the questions which we will do tomorrow as the bell has gone if anyone is having any doubt then you can unmute yourself and ask your doubt